जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के सफर में आपका स्वागत है। मैं हूं जितनी भी डिफेंस डायरी का अंक आपके लिए खास है। खास इसलिए कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश को पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत मिला, आईएनएस विक्रांत। और ये आईएनएस विक्रांत युद्धपोत 1971 की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाला युद्धपोत है, लेकिन ये उसका एक नया रूप है। इस बार डिफेंस डायरी में भी 1971 के एक महावीर की कहानी, जिसने कराची बंदरगाह को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन डिफेंस डायरी में पहले बात आईएनएस विक्रांत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बने पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया है। हालांकि भारत के पास पहले एक आईएनएस विक्रांत था जो विदेश में बना हुआ था, और आईएनएस विक्रांत ने 1971 की जंग में अहम भूमिका निभाई थी। लंबे इंतजार के बाद देश को पहला विमान वाहक युद्धपोत मिला, और अब भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास अपना स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है। साल 2009 में इसकी शुरुआत हुई और लगभग 13 साल के बाद देश को बड़ी सफलता मिली। अब इसकी खासियत की कुछ बात कर लेते हैं। ये अब तक का भारतीय नौसेना के पास सबसे बड़ा युद्धपोत है, यानी कि एक चलता फिरता शहर 262 मीटर लंबा, यानी कि 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर इसका डेक है, जहां पर लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर ऑपरेट होते हैं। इसमें लगे स्टील की बात की जाए, जिसे विदेशों की कंपनियों ने देने से इनकार कर दिया था, उसके बाद हमारी भारतीय कंपनियों ने स्टील तैयार किया, और स्टील इतना कि 4 एफिल टावर के बराबर इसमें स्टील का इस्तेमाल किया गया है। केबल की बात करें तो 2400 किलोमीटर की केबल आईएनएस विक्रांत के अंदर मौजूद है, जिससे कोचीन से दिल्ली की दूरी नापी जा सकती है। क्षमता की बात करें तो MiG-29 के लड़ाकू विमान के अलावा आमोव हेलीकॉप्टर, MH-60 रोमियो, ALH जैसे हेलीकॉप्टर्स तो मौजूद हैं। 70-80% हथियार साजो सामान इसमें स्वदेशी लगा हुआ है, और इसके अगर मिसाइल क्षमता की बात करें तो बराक और ब्रह्मोस मिसाइल भी इस पर तैनात होंगे। आने वाले दिनों के साथ नए हथियार इस पर तैनात होंगे, और आने वाले कई सालों तक, यानी 25-30 साल तक आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना की मारक क्षमता को लगातार बढ़ता रहेगा। आईएनएस विक्रांत के साथ ही भारतीय नौसेना के बेड़े में 2 विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत मौजूद हैं। और खुद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमीशन करने के दौरान कहा कि आईएनएस विक्रांत विशाल और विशिष्ट है, खासतौर से समुद्री सरहद पर भारत की बढ़ती ताकत, आर्थिक शक्ति। आईएनएस विक्रांत कई मायनों में भारतीय नौसेना के लिए खास है, खासतौर से समुद्री सरहद पर चीन की बढ़ती चुनौती से निपटने में आईएनएस विक्रांत अहम भूमिका निभाएगा। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत में भारतीय नौसेना के लिए एक नई शुरुआत है। पहली बार महिला नौसैनिक के तौर पर जो महिलाएं शामिल हो रही हैं, उनके लिए भी आईएनएस विक्रांत में खास इंतजाम किए गए हैं। अब तक भारतीय नौसेना के जो युद्धपोत हैं उसमें महिला अधिकारी और नौसैनिकों के लिए सुविधाएं नहीं थी, लेकिन इस बार अग्निवीर के तौर पर जो लड़कियां नौसैनिक के तौर पर भर्ती होंगी उनके लिए आईएनएस विक्रांत में खास इंतजाम किए गए हैं। बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। भारतीय वायुसेना की ताकत भी अब बढ़ने वाली है। सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए LCA तेजस की Mark 2 को मंजूरी दी है। इसका मतलब LCA का नया वर्जन भारतीय वायुसेना में शामिल होगा, DRDO इसको तैयार करेगा और 2027 तक ये बनकर तैयार होगा। अब तक LCA Mark 1 भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया है, इसकी एक स्क्वाड्रन सुरूर दक्षिण भारत में तैनात है, और LCA Mark 2 भारतीय वायुसेना में जगुआर, इसके अलावा मिराज जैसे जो लड़ाकू विमान हैं उनकी जगह लेगा। इस तरह से एक और स्वदेशी के मोर्चे पर बड़ी सफलता। आईएनएस विक्रांत के साथ ही अब LCA तेजस भी तेजी के साथ भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को बढ़ाने का काम कर रहा है। डिफेंस डायरी में बात अब एक बार फिर आईएनएस विक्रांत की, लेकिन ये बात है 1971 से जुड़ी हुई है। 1971 की जंग में आईएनएस विक्रांत ने अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तानी नौसेना पर कराची बंदरगाह को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उस ऑपरेशन में बात एक महावीर की, जिन्हें उनकी वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, कोमोडोर KP गोपाल राव। कोमोडोर KP गोपाल राव का जन्म मैंगलोर में हुआ। साल 1950 में भारतीय नौसेना शामिल हुए। उनके परिवार की सैन्य परंपरा थी, उनके भाई भी भारतीय सेना में थे, और उसके बाद अपनी काबिलियत, मेहनत और बहादुरी से कोमोडोर राव लगातार आगे बढ़ते चले गए।
1971 में उन्हें विश्व सेवा मेडल दिया गया। उम्र के पद पर वो पहुंचे। 1971 के युद्ध में वो दो एंटी सबमरीन कॉर्बेट का नेतृत्व कर रहे थे, आईएनएस किल्टन और आईएनएस कच्छल। इन दोनों की जिम्मेदारी उनके पास थी। हम सबको याद है कि पाकिस्तानी नौसेना के खिलाफ भारतीय नौसेना ने जो ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया था वो अब तक के सैन्य इतिहास में सबसे बड़ा ऑपरेशन था भारतीय नौसेना का। उस ऑपरेशन के दौरान कराची बंदरगाह पर हमला करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई। वो अपने दो एंटी सबमरीन कॉर्बेट के साथ कराची पर हमले की तैयारी में जुटे हुए थे, उसकी प्लानिंग कर रहे थे। अपनी बाकी टीम के साथ वो कम्युनिकेशन और हथियार की जानकारी जुटा रहे थे। उन्हें वो इस ऑपरेशन में लगातार मदद करते रहे। बात ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो 4 दिसंबर 1971 की रात थी जब भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े से एक टास्क फोर्स का के तहत उन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। और इस तरह से तो पाकिस्तान के दो डिस्ट्रॉयर थे, माइन स्वीपर युद्धपोत था, उसके अलावा वहाँ पर जो तेल का डंप था, मालवाहक जहाज था, इतने सारे पाकिस्तानी नौसेना के युद्धपोतों को, असेट्स को भारतीय नौसेना ने नेस्ते नाबूद किया। इस ऑपरेशन में, इस सफल ऑपरेशन में उनकी भूमिका के लिए कोमोडोर गोपाल राव को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कोमोडोर गोपाल राव 1971 की युद्ध के बाद भी भारतीय नौसेना में सेवा करते रहे और इस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका उस पद पर रहते हुए निभाई और 1971 की लड़ाई में कराची बंदरगाह को बर्बाद करने में अहम भूमिका भी निभाई। डिफेंस डायरी में आज हमने देश के पहले विमानवाहक स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत की बात की और आईएनएस विक्रांत के पिछले रूप आईएनएस विक्रांत की ही बात हमने की जिसने 1971 की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। डिफेंस डायरी में आज के लिए इतना ही। अगले अंक में बातें और महावीर की। जय हिंद।